ਲੈਣ ਵੀਰਨੀਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸਤ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਵਫਾਈ ਤੁਝੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜਦ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਿਸਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਸੂ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ तूने मारी एंट्रियां भैया के दिल में बजी घंटियां मुर्तसिम तो सुम बम बुक मम मतलब के ऐसे हो गया वो जो माँ बेगम मेरा पमीरी नहीं होती पमीरी कभी घूम के इधर चली जाती है कभी घूम के उधर चल जाती है मतलब दीन मान है ही नहीं सिर से दीन मान तो है ही नहीं ना तो मैं मेरा मुर्तसिम नाल नाल देखे मैं क्या माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे माँ बेगम मीरा मुर्तसिम सब खड़े फिर झूठ बोल रही मैंने नहीं देखो ऐसे घर से जाते हुए दिल तो कह रहा था आज मैं चाकू होता उसके पेट में तोंद देना था मैंने पेट में तोंद देना था पेट में तोंद देना था और जो मुर्तसिम ने उसकी उंगली से अंगूठी निकाली बाजी रूह को सुकून बाजी ऐसा लगा कि ड्रामा देखने का मकसद पूरा हो गया बाजी मकसद पूरा हो गया मीरे बैठी हुई जब मुर्तसिम जाकर उसके पाँव पे बैठते हैं ना बाजी मेरी मतलब मैं आज तक किसी ड्रामा कोई मूवी देख के नहीं रोई बाजी नहीं रोई वो सीन देख के ना बाजी ऐसा दिल रो रहा था बाजी मेरा दिल रो रहा था मुझे मुर्तसिम पसंद नहीं था लेकिन जब मैं उसे रोते देखती हूँ ना बाजी पिघल जाती हूँ बाजी पिघल जाती हूँ वो उनकी जब बाजी क्यूट सी वो बालड़ी है ना जब मैं उसे ऑडियंस जब मैं उसे देखती हूँ ना मेरा दिल पिघल जाता है बाजी पिघल जाता है एक्टिंग क्या कमाल की है इसने उसे बहाज अली ने मतलब तालियां बाजी बाजी मीरा की एक्टिंग भी किसी से कम नहीं थी उसकी और मेरे तो रूह को सुकून तब मिला जब मीरा लॉयर बन गई हम चलते हैं मोस्ट आइकॉनिक सीन लास्ट सीन खेतों का सीन जब वो मीरा वहाँ खड़ी होती है अपने दुपट्टे को यूं लहरा के बरखा के घुमला के घुलका यहाँ मीरा खड़ी यहाँ मुर्तसिम खड़ा पीछे का सूरज खड़ा चेहरा था सूरज हुआ मध्यम मध्यम हया जलने लगी हुआ मध्यम चांद जलने लगा बगैर तेरे बिन के तो बस कौनों की दसा अगर आपको ये रिव्यू देख के इतनी सी चेहरे पे हंसी आई है ना तो इस चैनल को लाइक जरूर करना हाफ़े